माई चैनल मैक वृष्टि। होप यू ऑल आर वेल। तो आज आप सबको ही जानते हो मेरे घर में है पूजा। मैं लास्ट ईयर भी पूजा का व्लॉग शेयर की थी और इस बार भी मैं व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आज है मेरे घर में रानना पूजा, इसको बोलता है कुकिंग फेस्टिवल भी। तो ये होता है एक्चुअली 16th of September रात को, जो विश्वकर्मा पूजा का पहले वाला दिन है। ये भद्र महीना का लास्ट में पूजा होता है, मीन 16th of September को। इसमें एक कहावत है बंगाली में जो है भाद्र मासे रानना हो आश्विनी खावा हो। इसका मतलब है भाद्र महीना का जो लास्ट है 16th of September उस दिन हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं और 17th of September में वो भोग चढ़ता है जो है अश्विन मास का पहला वाला दिन, उस दिन हम भोग खाते हैं। तो इसमें जो मेन है वो है पांता भात। जो क्या होता है 16th को जो चावल चढ़ते हैं उसमें हम लोग पानी डाल कर रख देते हैं, जो 17th को सुबह में वो बासी चावल को हम लोग भोग के तरह खाते हैं। ये है इसका मेन इंग्रेडिएंट। इसमें हम लोग नाग देवी माँ मनसा को पूजा करते हैं। नॉर्मली 16th of September को हम लोग रसोई वगैरह क्लीन करके घर में जो मम्मी लोग हैं वो लोग ये पूजा करते हैं हम लोगों का बंगाली में मतलब ये बहुत मानते हैं और ये लास्ट पूजा है। इसके बाद हम लोगों का दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरा पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो प्लीज़ कीप सपोर्ट मी। हाय एवरीवन, इट्स मेघा, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक वृष्टि। तो आज मैं बहुत रात में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा घर में है पूजा, इसलिए मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बाय द वे मैं हिंदी में व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत सारा सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया हिंदी में व्लॉग बनाने के लिए, तो सिर्फ उन लोगों के लिए मैं हिंदी में व्लॉग बना रही हूँ। तो आज हम लोग के घर में क्या क्या होती है, इवन कि मम्मी क्या क्या बनाती है, मैं वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और कल सुबह होगा माँ मनसा का पूजा, मैं वो भी दिखाऊँगी। तो ये रानना जो पूजा होता है ये सुबह 3-4 बजे तक होता है, सूरज उठने के पहले इसको ख़त्म करना पड़ता है। तो मैं फुल डिटेल्स और कब होता है क्यों होता है पूरा सब कुछ मेरा ये व्लॉग में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ कीप वॉच माय वीडियो। यहाँ पे बन रहा है नाग देवी का भोग, तो चलिए देखते हैं भोग में क्या क्या बन रहा है। एक साइड में तो पायस चढ़ गया और यहाँ पे आलू भाजी हो रहा है और यहाँ पे चावल भी रेडी है, सिर्फ यहाँ पे पानी मिलाना अभी भी बाकी है।
बज रहा है देर, ऑलरेडी बहुत रात हो चुका है और मुझे नींद भी लग रहा है क्योंकि सुबह उठना पड़ता है जल्दी ऑफिस के लिए। तो अभी भी बहुत कुछ बनाना बाकी है, शायद मैं उतना देर तक जाग नहीं पाऊँगी, पर कल मैं सुबह ज़रूर दिखाऊँगी कि भूख में क्या क्या बन रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, तो इसीलिए अभी बाय, मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी मैं जस्ट सोके उठी हूँ, तो अभी बज रहा है 10, इसलिए पूजा ख़त्म होने वाले थे बोल के मैं सिर्फ टीका लगा के चली आई, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं सोके थी। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि आज मतलब एक्चुअली कल रात को मम्मी ने क्या क्या बनाई है, क्योंकि कल रात सो गई थी बोल के मैं पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, और आज मुझे शॉपिंग भी जाना है इसलिए मुझे रेडी भी होना पड़ेगा। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। শরণাগত দীনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্বার্থে হরে দেব দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। अभी हम लोगों का भोग चढ़ गया। एक्चुअली हम लोग में रूल्स है कि भोग चढ़ने के पहले हम लोग भोग दिखा नहीं सकते, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई हूँ। और मैं आज सुबह फ्रेश होकर रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे निकलना है शॉपिंग के लिए। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, आप लोगों को, कि क्या क्या मम्मी बनाई है। तो चलते हैं। भगवान जी का भोग चढ़े है, ये जो प्लेट है ये है पत्थर का प्लेट, इसमें हर साल भगवान जी का भोग चढ़ते हैं। और यहाँ पे जो हम लोगों का रसोई है उसमें पूजा हुआ है, और ये है भगवान जी का सारे भोग। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और जो लोग मेरा चैनल में न्यू हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है वो ऑन कर देना, तो मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। सो स्टे सेफ एंड हेल्दी। वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, सो बाय बाय।